बन चुका है। तो आइए टीवी से हम सब साथ मिलकर आज मैं फैला देता है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, ये टीबी मुक्त बानसूर की घोषणा की गई है अभी 26 जनवरी को कि पूरे बानसूर को हमें एक साल में टीबी मुक्त बनाना है। आप लोग समूह से जुड़ी हुई हो, आपके आसपास में अब कैसे हमें पता चले कि भाई फला आदमी की टीबी हो रही है, या किसी को अपने को अंदाजा लगे भाई हम कैसे पता करें। तो देखो 6 तरीके बता रखे हैं इसमें यहाँ पे। एक तो अगर उसके लगातार खांसी चले, दूसरा खांसते समय खून आए, कई बार होता है ना खांसी के साथ में खून आने लग जाए, बुखार हो उसका वजन लगातार घटता जा रहा हो, खांसी के साथ में बलगम आए, ठीक है ना, जैसे खैकार जो आने का पर बोलते हैं ना, और भूख ना लगे। ये अगर 6 घटना किसी आदमी के साथ हो रही हैं, तो आप उसको ये कहो कि भाई हॉस्पिटल में जाकर जांच करवा ले। निसंदेह हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं लगता, जांच का भी नहीं लगता, दवाइयों का भी नहीं लगता। भारत सरकार के द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उसी कड़ी में राजस्थान को टीबी मुक्त करना, अलवर जिले को टीबी मुक्त करना, और उसी प्रकार हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे ब्लॉक को टीबी मुक्त बनाने के लिए। आप लोगों को ये जागरूक इसलिए कर रहे हैं, ये पोस्टर भी आप लोगों को हम देके जाएंगे, इसको आप पढ़ सकते हो, हिंदी में है ये। और कम से कम आप अपने परिवार में, आसपास में अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको बेचारे को ऐसी समस्या हो, तो आप बताओ कि भाई डरने की जरूरत नहीं है और इस बीमारी का इलाज है। पहले इलाज नहीं था, लेकिन टीबी का 100% इलाज है। कारण उस आदमी को लगातार 6 महीने साल भर जो भी दवाई चले, वो दवाई वो लगातार ले, और उसके बाद में जो सावधानियां वो बरते, तो उसके बाद में टीबी की बीमारी का इलाज हो जाता है। तो आप अपने आसपास के लोगों को बताना कि भाई इस तरह की जानकारी उनको भी बताएं, किसी आदमी के प्रॉब्लम हो तो तुरंत हॉस्पिटल में जाके वो इलाज ले, दवाई फ्री मिलती है। आदि गंभीर रोग हो सकते हैं। निर्माण करें नशे की आदत से मुक्ति चाहते हैं।